तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें राहुल की सदस्यता पर सवाल है। देखिए बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को जो सजा का ऐलान किया गया कल, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां अब आक्रोशित हो गई हैं। संसद से विजय चौक तक विपक्षी पार्टियों का ये मार्च, देखिए डेमोक्रेसी इन डेंजर, लोकतंत्र खतरे में है, एक बड़ा सा बैनर लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इस बैनर को थामे विजय चौक तक मार्च निकाल रही हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें ये भी देख रहे थे किस तरीके से यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और अपनी इसी आवाज को मुखर करता हुआ विपक्ष मार्च करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज सुबह विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बुलाई गई थी और शाम को भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है विपक्षी दलों की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे इस मार्च की अगुवाई करते हुए आगे बढ़ते हुए और एक तरह से राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां आ गई हैं ये कहते हुए कि हम साथ हैं। अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कल ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि यह वक्त डरने का नहीं लड़ने का है। आगे ना जाएं, यहां पर धारा 144 लगी हुई है। देखिए आप अनाउंसमेंट भी लगातार सुन रहे हैं, इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। फोनलाइन पर इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषिकेश जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश आप मौके पर मौजूद है, जाहिर सी बात है तस्वीरें आप करीब से देख पा रहे होंगे, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो यहां पर संसद से विजय चौक मार्च निकालने में शामिल है और संदेश क्या है? देखिए तकरीबन लाइक माइंडेड 15 से 16 राजनीतिक ऐसे दल हैं जो जिनके सांसद यहां पे मौजूद हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं, भारी सुरक्षा बल मौजूद है और बार बार जैसे ही गेट नंबर 1 से सांसद निकले वैसे ही यहाँ पे पुलिस ने ऐलान करना शुरू किया कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है और यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। एक खास जगह पे उन सांसदों को रोक दिया गया और तमाम सांसद अब मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मीडिया को उन सांसदों तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही राहुल गांधी को कल सूरत की कोर्ट से सजा का ऐलान किया 2 साल के बाद, उसके बाद देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। आज भी देर शाम में कांग्रेस की रणनीतिक बैठक, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री, इन सबों के साथ एक अहम बैठक होनी है और सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन और रैली करने की तैयारी है इस फैसले के खिलाफ। आज राहुल गांधी संसद में पहुंचे लेकिन वो जो हाउस है लोकसभा वहां नहीं गए, सेंट्रल हॉल तक ही वो मौजूद रहे। अभी विजय चौक पर तमाम सांसद मौजूद हैं और मीडिया के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये काफी रोष है, विरोध है कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जो कोर्ट ने जिस तरीके से खास करके जो निर्णय लिया उसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां तमाम एकजुट है और लोग उसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वी डिमांड जेपीसी ऑन अडानी स्कैम सबसे प्रमुखता से है। अडानी स्कैम को लेकर लगातार जेपीसी के गठन की बात की जा रही है, जेपीसी के जांच की बात की जा रही है लेकिन और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से सूरत की कोर्ट ने सजा सुनाई है मानहानि के मामले में, वो इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि या तो विपक्ष अपनी जेपीसी की मांग से वापस है या फिर राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा और एक सरकार की बार्गेन की कोशिश है और यही बात बार बार आम लोगों के बीच में और राजनीतिक सेंटीमेंट के बीच में कांग्रेस रखना चाहती है और इसी के मद्देनजर आज देखिए अडानी स्कैम पर एक बार फिर और जेपीसी की मांग को लेकर यहाँ पे तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। ऋषिकेश एक अहम बात है, देखिए तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, कोई मुद्दा और हो या ना हो देखिए इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं। बड़ी बात यह है ऋषिकेश कि जिस तरीके से तमाम आज या खड़गे साहब फिर एक बार